अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज स्पेशल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिहार की राजधानी पटना के लिए। हमारी ट्रेन 12356 अर्चना एक्सप्रेस। तो इसे बोर्ड करने मैं आ चुका हूँ लखनऊ जंक्शन। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रही है और आप लखनऊ का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं, एक ट्रेन जर्नी के लिए परफेक्ट मौसम। ज़्यादा बारिश नहीं है, हल्की हल्की है। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। Attention please, train number 12356 Archana Express is delayed by 1 hour 15 minutes. तो जी, जैसा कि आपने सुना, हमारी ट्रेन जो है वो अपने तय समय से ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट लेट हो चुकी है। लखनऊ जंक्शन पे अर्चना एक्सप्रेस का पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो सुबह के 10:05 का था, लेकिन अभी ये ट्रेन एस्टिमेटेडली बताया जा रहा है कि 11:25 या 11:15 पर ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन पहुँचेगी। तो अभी अपने पास 1 घंटा है पूरा, थोड़ा लखनऊ जंक्शन एक्सप्लोर करते हैं, कुछ शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ लखनऊ के, और फिर जब ट्रेन आती है तो आगे बात करेंगे। अभी मैं लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा हूँ, और इस तरफ यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो ट्रेन है वो है उदयपुर सिटी से पाटलिपुत्र तक जाने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस। देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, तो 1 घंटा तो क्या, मैं कई घंटे तक रेलवे स्टेशन पर आराम से रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कितने भी घंटे अगर मुझे रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़े, क्योंकि ट्रेन का और रेलवे स्टेशन का जो कीड़ा है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी बैठ घूमूंगा मैं थोड़ा देर के लिए, मेरे लिए तो एक तरीके से ट्रीटी है कि 1 घंटा मैं रेलवे स्टेशन पर बिता सकता हूँ, ना कि हड़बड़ाहट में ट्रेन जर्नी करने के लिए मैं मुझे ट्रेन में बोर्ड करना पड़े। तो अभी फ़िलहाल मैं जो मैंने आपको अभी ट्रेन बताई उदयपुर सिटी से पाटलिपुत्र जाने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस, उसका डिपार्चर हो चुका है, और इस तरफ से यार्ड में जाती हुई ट्रेन है लखनऊ गया जंक्शन। अब ये इंटरसिटी होगी आई गेस, नहीं जी, इसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ। तो जी, ट्रेन का नाम है एकात्मता एक्सप्रेस, जो कि आप देख सकते हैं लखनऊ जंक्शन और गया जंक्शन के बीच ये ट्रेन चलती है। तो फिलहाल तो ये जा रही है यार्ड में, और मौसम की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने की ओर काले काले बादल है, और जब मैं यहाँ पर आया था तब बारिश भी हो रही थी, जिसकी निशानी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पर सनराइज़ हो गया है, तो गर्मी लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ी देर में हो सकता है कि बारिश हो, और बारिश में आपको स्टेशन दिखा सकूं, क्योंकि एक अलग ही खूबसूरती होती है किसी भी रेलवे स्टेशन की, बारिश हो रही हो तब के वक्त में। तो ये देख लीजिए आप लखनऊ जंक्शन, इस तरफ से पूरा मतलब जो आउटर साइड है वो है, एंड ये पूरी की पूरी जो है प्लेटफॉर्म की तरफ की साइड है। तो अभी अपडेट ये है कि सुबह के 10:26 हो चुके हैं, हमारी ट्रेन हरदोई से आगे है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ट्रेन लेट और ज़्यादा हो चुकी है। तो अनाउंसमेंट में जैसे आपने सुना था कि 1:15 लेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:56 लेट हो चुकी है। वैसे तो ये सारी जो ऐप्स होती है वो कई बार 100% एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन अगर एस्टिमेटेड भी लेके चलूँ तो 11:30 तक ही ये ट्रेन यहाँ पर पहुँचने वाली है, 11:30 मिनिमम लगेंगे इस ट्रेन को यहाँ पर पहुँचने में। तो अभी भी, क्योंकि 10:27 हो रही है सुबह के अभी, तो अभी भी इस ट्रेन को आने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय है, तो काफ़ी लेट हो चुकी है ये ट्रेन। तो जी, अभी अपडेट ये है कि बज रहे हैं सुबह के 11:48 और हमारी ट्रेन अभी तक लखनऊ पहुंची नहीं है। पहले ये बताया जा रहा था कि ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, एंड देन फिर बाद में जब यहाँ पर जो डिटेल्स अपडेट हुई तो उसमें अभी ये बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। अपने तय समय से ऑलमोस्ट 2 घंटा से ज़्यादा वक्त लग सकता है इस ट्रेन को यहाँ पहुँचने में, बिकॉज अभी भी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स अवे है लखनऊ जंक्शन से। तो मुझे सिर्फ आपको अपडेट देना था कि अभी फ़िलहाल में कितनी लेट हो चुकी है ट्रेन, इस वजह से मैं आपको बता रहा था। बाकी अब सीधा जब ट्रेन आएगी तो उसका जो अराइवल है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर आगे जर्नी शुरू करेंगे। तो अब हमारी ट्रेन का जो वक्त है ना वो बढ़ता ही जा रहा है,
पहले कहा गया कि 12:25 पे आएगी, फिर ये वक्त जो है वो चेंज हो गया 12:35 के लिए, और अब बता रहे हैं कि 12:45 पे आएगी। आ जाए बस। तो जी फाइनली अपने समय से 3:10 लेट हमारी अर्चना एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ जंक्शन पर पहुंच रही है फाइनली। आप सोच रहे होंगे मैं फिर से इतना बाहर आके खड़ा क्यों हूँ, क्योंकि मेरा जो कोच है वो स्लीपर है, कोच नंबर है वो है S1, क्योंकि बिल्कुल पीछे दिया गया है जनरल के बगल में। तो अब सिर्फ सोचना यही है कि जनरल वाली कितनी पब्लिक मुझे स्लीपर में मिलने वाली है और कैसे मैं ये ब्लॉग बना पाऊँगा, चलिए देखते हैं। तो आप जनरल की जो भीड़ है वो देख सकते हैं, और ये रहा मेरा कोच, इसमें से भी अभी काफ़ी पब्लिक उतर रही है, तो उम्मीद है थोड़ी कम्फर्टेबल जर्नी होगी, बाकी तो अंदर जाके ही पता चलेगा। चलिए तो अंदर चलते हैं। अपर बर्थ है बड़ी और 11 नंबर सीट। तो फाइनली अपने तय समय से 3:20 लेट हमारी ट्रेन अब लखनऊ जंक्शन से निकल रही है। चलिए जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट, दैट इज़ रायबरेली स्टेशन कोड RPL, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1893 में। रायबरेली को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहां से एक लाइन है, कुछ नहीं सिर्फ लोकोमोटिव है, लेकिन चाव देख रहे हो मारा जा रहा हूँ। हाँ जी, तो जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन वाराणसी की ओर गई है, जिसे अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक लाइन प्रयागराज की तरफ गई है, एक लाइन उन्नाव की तरफ गई हुई है। तो ये सारी लाइन जो है वो यहाँ से राउट होती है, इस वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और रायबरेली की अगर बात की जाए तो यहाँ से कई सारी फेमस आइडेंटिटीज़ जो बिलोंग करती है, जैसे RP सिंह, इंदिरा गांधी और साथ में मीनाक्षी दीक्षित भी, तो ये सारे कुछ फेमस आइडेंटिटीज़ है जो रायबरेली से बिलोंग करती है। और रनिंग स्टेटस की बात करने लायक है नहीं, क्योंकि 3:20 अभी फ़िलहाल भी हमारी ट्रेन चल रही है, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। अब देखना है 2 मिनट रुकते हैं या 10। तो इस स्टेशन के आसपास आपको ऐसे नए नवेले जो कोचेज़ हैं ना वो देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक कोच फैक्ट्री है जहाँ पर जो इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन में यूज़ किए जाते हैं वो सारे कोच मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इसके स्टेशन, इस स्टेशन के आसपास आपको ऐसे नए नए कोचेस देखना एक नॉर्मल बात हो जाती है। देखिए पूरा स्टेशन ही भरा हुआ है नए नए कोचेस के साथ। आइए कोच का माहौल दिखा देते हैं। भीड़ तो इतनी ज़्यादा है नहीं वैसे जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही, सीट पर जितने लोग, जितनी सीट उतने लोग ही है, लेकिन बस गेट पे थोड़ा ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो वेटिंग वाले हैं और अनरिजर्व टिकट वाले हैं वो बैठे हुए हैं। तो एक ये थोड़ा सा चैलेंज जो है अभी अभी मैंने एक्सप्लोर किया है स्लीपर में ट्रैवल करते हुए, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं करता था वो कोविड के इनिशियल डेज या शुरू शुरू का टाइम था, तो इतना कुछ होता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ब्लॉगिंग में स्लीपर में ट्रैवल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो चलिए जी अब आराम करते हैं, एक आधा स्टेशन में स्किप करूँगा और फिर सीधा आपसे मिलूँगा अमेठी। तो मिलते हैं अमेठी। आवा
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट दैट इज अमेठी, स्टेशन कोड AME, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1927 में। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा। यहाँ पर हमारे ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो यहाँ पर आपको 2 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे एंड दिस इज दी वन ऑफ दी बिजिएस्ट एंड इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। और फेमस प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ का पटेश्वरी देवी मंदिर जो है वो काफी फेमस है। खैर यहाँ पर हमारी ट्रेन को सिर्फ रुकना 2 मिनट के लिए ही है। यार एक चीज बहुत बुरी है कि हमारा कोच बहुत पीछे है, तो कभी भी जो शेल्टर्ड है ना, मैं इस तरह आके जाके आपको दिखाऊँ, तो शेल्टर के पास अपनी ट्रेन नहीं खड़ी रहती, तो धूप में खड़े रह के ब्लॉक करना पड़ता है। कोई नहीं, कर लेंगे। बिल्कुल स्केड्यूल होल्ड 2 मिनट का लेकर हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट भी करा दिया गया है और धीरे धीरे पब्लिक जो है वो ट्रेन में से कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है वो डिबोर्ड कर चुके हैं अमेठी पर। और ये क्षेत्र पॉलिटिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। अब जिन लोगों का इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में उनको पता होगा। शुरू में ना मैं बड़े चाव में बोलता था कि भाई स्लीपर में ट्रैवल करो, स्लीपर में ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। और ये चीज़ पे आज भी मैं कोट करूँगा कि हाँ, स्लीपर में ट्रैवल करने का इंडियन रेलवेज़ में एक मज़ा अलग ही है, लेकिन व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज पब्लिक इतनी ज़्यादा होती है ना दैट आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो या फिर आपको वैसे शॉट्स नहीं मिल पाते। क्योंकि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं जैसा शॉट चाहता हूँ अगर मुझे वैसा ना मिले, इट डिसअपॉइंट्स मी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे के कुछ ट्रेन जर्नीज आपको स्लीपर की जगह थर्ड एसी में देखने को मिले, थोड़ा मुझे कंफर्ट मिले अच्छे से व्लॉग बनाने के लिए। और मेन चीज़ क्या होती है ना कि ये ट्रैक साउंड आपको दिखाना होता है, बाहर के व्यूज़ दिखाने होते हैं, लेकिन गेट पर ही इतनी पब्लिक होती है कि आप व्लॉग अच्छे से बना ही नहीं पाते। और उसके ऊपर से RPF अगर आ गई तो भाई सोने पर सुहागा हो जाता है। चलिए जी, तो अब पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट प्रतापगढ़ जंक्शन, स्टेशन कोड PBH, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1898 में। और ये डिस्ट्रिक्ट दुनिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर किसानों को डेडिकेटेड एक मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है किसान देवता मंदिर। यहां पर किसानों को एक भगवान की तरह पूजा जाता है और उसी के डेडिकेशन में दुनिया का पहला किसान मंदिर जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में यानी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉर वाराणसी, एक लाइन यहाँ से सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या के लिए चली जाएगी और एक लाइन जो है यहाँ से प्रयागराज के लिए जाती है। तो इसी वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। ये रेलवे स्टेशन इस रीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, इसी वजह से आप यहाँ पर हमारा जो हॉल्ट होगा वो 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी जा रहे जितने भी स्टेशन थे उन सभी पर हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुक रही थी। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पब्लिक ने जो है यहाँ पर डिबोर्ड किया और ट्रेन ऑलमोस्ट अभी खाली होना शुरू हो गई है। अब देखते हैं आगे कहाँ तक ये और खाली होती है या फिर कहीं से पब्लिक चढ़ती है। तो जी अब चल के थोड़ा सा आराम करते हैं और सीधा मिलता हूँ मैं आपसे अब हमारी ट्रेन जब वाराणसी पहुंच रही होगी। बीच में एक स्टेशन पर ये ट्रेन हॉल्ट और लेगी, वो मैं स्किप करूँगा और अब आपसे मिलता हूँ सीधा मैं वाराणसी।
ध्रुवा एक्सप्रेस। मैंने इसमें भी जर्नी की है। ये जो ट्रेन है ये वाया गया है, मैंने की थी वो वाया पटना थी। तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस जर्नी के ब्लॉग का। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट, दैट इज़ वाराणसी जंक्शन, स्टेशन कोड BSB, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1872 में। ये इस रीजन का बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर डेली 300 ट्रेन जो है वो हॉल्ट की जाती है और 45 ट्रेन यहाँ से या तो ओरिजिनेट होती है या तो फिर टर्मिनेट होती है। यहाँ से कई सारी लाइन्स जो है वो राउट होती है। लखनऊ के लिए ही यहाँ से तीन लाइन है, एक लाइन वाया अयोध्या कैंट होते हुए, एक लाइन वाया रायबरेली यानी हम जिस लाइन से आए हैं वो, और उसके अलावा एक लाइन जो लखनऊ के लिए जाती है सुल्तानपुर होते हुए, फिर यहाँ से एक लाइन जो है मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हम आगे बढ़ेंगे। कानपुर के लिए भी एक लाइन गई हुई है, एक लाइन छपरा के लिए गई हुई है, और लास्ट में मऊ होते हुए गोरखपुर के लिए भी एक लाइन गई हुई है। तो इतनी सारी लाइंस यहाँ से राउट होती है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रेलवे स्टेशन, जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ पर हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है। और रनिंग स्टेटस की बात करें तो शाम के 4:35 पर हमें पहुँचना था, अभी बज रहे हैं रात के 7:51 यानी ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। तो अभी भी 3 से 3.5 घंटा जो हमारी ट्रेन है वो लेट चल रही है। और वाराणसी सिटी की तो क्या ही बात करें, यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सारनाथ टेम्पल है, और मैं नाम यहाँ पर आपको गिना नहीं सकता, इतने सारे टेम्पल्स हैं। और हिंदुओं की मान्यता होती है कि जिस इंसान को यहाँ पर मौत नसीब होती है वो अपने जीवन और पुनर्जीवन का जो चक्र होता है उससे बाहर आ जाता है। अब ज़्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फ्रेंड से भी मैंने ये सब सुना तो था। तो ये एक मान्यता है, एक तीर्थ स्थल है हिंदुओं के लिए काफ़ी बड़ा वाराणसी। यहाँ पर मैं खुद भी ये सिटी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, हर दूसरे चौराहे पर आपको मंदिर, छोटा तो छोटा मंदिर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। वाराणसी की एक वाइब ही अलग है। हालांकि गंगा घाट पर मैं कभी जा नहीं पाया, उम्मीद है कि कभी मौका मिलेगा कि वहाँ पर जाकर देखो। शाम की जो आरती होती है वो एक बार मुझे देखनी है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस है वाराणसी सिटी की। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि 8 ऑलमोस्ट बज चुके हैं रात के। पानी लेना था तो मैंने ले लिया है। खाने पीने के लिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो पैक्ड खाना है वो मिलेगा वेंडर्स के थ्रू, और साथ में जो शॉप है वहाँ से भी आप समोसा कचौरी वगैरह जो है वो ले सकते हैं। हमारा जो कोच है वो काफ़ी पीछे, तो थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, लाइट्स बराबर नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए, तो रात के 8:11 पर हमारी ट्रेन वाराणसी जंक्शन से निकल रही है। ये वही टाइम है जहाँ जिस वक्त तक हमें पटना में होना चाहिए था, लेकिन इंडियन रेलवेज बीइंग इंडियन रेलवेज, अभी देखते हैं कितने बजे तक हमें पटना पहुँचाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये शाम का घाट का जो खूबसूरत नज़ारा है वो, और पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से भी जाना जाता था। स्टेशन कोड DDU। एंड डोंट बी सरप्राइज बाई टेल यू कि ये ट्रेन 4 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। हमारे यहाँ पर ऑफिशियल टाइम पहुँचने का 5:40 का था, अभी बज रहे हैं 10:00। तो भाई साहब ये ट्रेन 4:20 लेट हो चुकी है। वैसे मैंने कहीं सुना था कि इंडियन रेलवेज अपनी लेट ट्रेन के साथ यही करता है, मतलब अगर एक रूट पे कोई एक ट्रेन लेट चल रही है तो उसको और ज़्यादा लेट करा दो और बाकी जो ट्रेन सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा लेट चल रही है उनको प्रायोरिटी दो, ताकि एक ट्रेन तो जो लेट होने वाली है वो लेट होती ही जाएगी और बाकी ट्रेन जो है वो जो उनका जो टाइम है वो रिकवर कर पाए। ये सिर्फ मैंने एक थियोरेटिकली वे में सुना था, अब आई डोंट नो कि इसी तरीके से काम करता है यानी इंडियन रेलवेज। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को जाना जाता है एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड, ये होल्ड करता है ऑलमोस्ट 12.5 किलोमीटर का मार्शलिंग यार्ड है इसके पास, और एक टाइम पर 1500 जो वैगन्स होती है मालगाड़ी की, जो गुड्स ट्रेन की वैगन्स होती है उसे वो कैरी कर सकता है। यहाँ पर हमारा 10 मिनट का होल्ड होगा, अगेन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है इस वजह से, बट भाई साहब इससे आगे ये ट्रेन और भी कुछ स्टेशन पर रुकेगी, लेकिन अब मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है व्लॉगिंग करने की। मैं जाऊंगा थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा और सीधा मिलूंगा आपसे पटना जंक्शन पे ही, देखता हूँ पहले कुछ खाने के लिए मिलता है तो, अदरवाइज़ सीधा अंदर जाएंगे और सो जाएंगे और सीधा मिलेंगे आपसे हमारे डेस्टिनेशन जो कि होगा पटना जंक्शन। तो उस तरफ आप देख सकते हैं पटना राजधानी, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, क्योंकि अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के कौन से प्लेटफॉर्म पर आई वो नहीं मुझे पता चल रहा, लेकिन हाँ वो आप देख सकते हैं तेजस राजधानी है, उसके रेक्स जो है वो तेजस वाले। चलिए जी, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को कहते हैं टाटा बाय बाय और मैं चलता हूँ आराम करने और अब सीधा मैं आपसे मिलूँगा पटना जंक्शन। सामने कोई और ट्रेन जो है वो अराइवल ले रही है, ऐसे दिख नहीं पा रहा कौन सी है, वो तो एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है जी, चलिए आराम करते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे पटना। ऑलराइट गाइस, सो अभी बज रहे हैं 1:06 और हमारी ट्रेन अपने तय समय से 4:20 लेट फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पहुंच चुकी है, दैट इज़ पटना जंक्शन, स्टेशन कोड PNBE। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कोई ट्रेन कभी 4 या 5 घंटा लेट हुई है या नहीं, ये जरूर बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जानी है, ब्लॉग्स आप देखना चाहेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ट्रेन जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस चलता हूँ मैं पटना जंक्शन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज स्पेशल कांड साइनिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स, टाटा।